किंग ऑफ कप्स, ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग. मुझे ऐसे लग रही है कि आप काफी टाइम से यहाँ पे, देखिए, अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे हैं. यहाँ पे आप अपने कप का फुल होने का वेट कर रहे हैं. यहाँ आपके पास पेंटिकल्स हैं, सारी कुछ है, बट आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए यहाँ, या कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. मतलब आप तीनों के तीनों कार्ड्स वेटिंग पीरियड के निकल के आए हैं. खैर, और देखते हैं, आपने कोई ऐसी सिचुएशन फेस की अपनी लाइफ में कि आप उस चीज को ना हैंडल नहीं कर पाए हैं, या आपने जब वो सिचुएशन, बहुत ही बुरी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन जब आपकी लाइफ में आई थी, तो आप उस वक्त बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे एक्चुअली, क्योंकि आपका बेस एकदम से हिल चुका था. आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए. तभी आप देखिए, तीनों के तीनों कार्ड, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही बताया कि ये तीनों के तीनों कार्ड वेटिंग पीरियड के निकल के आए हैं. तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी किस चीज के लिए आप वेट कर रहे हैं, क्यों वेट कर रहे हैं, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं. तो यहां से मुझे इस कार्ड ने क्लियर कर दिया कि आप फिलहाल में किसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आए हुए हैं, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव. ये आपके फैमिली में भी किसी चीज को आपने फेस किया है, या प्रोफेशनल लाइफ में आपके बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन हो गई है, या आपकी पर्सनल लाइफ में किसी तो भी पर्सन ने आपकी नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में अराइज की है. ओके, तो ये मुझे तीनों से रिलेटेड लग रहा है. तो आप देख लीजिए, आपकी लाइफ में कौन सी नेगेटिव सिचुएशन आई है, किस वे में आई है. ओके, बट मैं एक चीज यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि आप इन सारी नेगेटिव सिचुएशन से मूव ऑन होके एक किंग की पोजीशन में आ गए. देखो, यहाँ पे भी किंग है, यहाँ पे भी किंग है. ओके, दोनों साइड किंग के कार्ड निकल के आए, और टावर बीच में. कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आई हो आपकी लाइफ में, आपने मूव ऑन कर लिया है. आप और भी अपॉर्चुनिटीज को अपनी लाइफ में एंट्री देने लगे हैं. ये वैसे लव रीडिंग है, तो मैं उसी को फोकस में रखूंगी. तो लव लाइफ में मुझे लग रहा है कि तो आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, या किसी नेगेटिव सिचुएशन में आपको रखा. तो अब लेकिन आप उस चीज से मूव ऑन हो गए हैं, आप और बाकी चीजों पे ध्यान देने लगे हैं और अपॉर्चुनिटीज देखने लगे हैं. लेकिन मुझे लग रहा है अभी भी आप वेट कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज का वेट कर रहे हैं. मे बी आप अपने पार्टनर का ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप कप लेके बैठे हुए हैं कि आपका पार्टनर वापस से आपके पास आएगा, आपका कप फुल करेगा. यहाँ पे भी आप पेंटिकल लेके बैठे हैं कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, या आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, तो इसी पर्सन के साथ चाहते हैं. ओके, तो दोनों के दोनों कार्ड वेटिंग पीरियड के बता रहे हैं, और वो भी किंग की पोजीशन में है. तो मैं ये नहीं बोलूंगी आप बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन में, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी. आप उस चीज से, इस टावर मूवमेंट से निकल चुके हैं, और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है आपने. वो बात अलग है कि आप सिर्फ अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं. वेटिंग पीरियड सिर्फ इसी चीज के लिए लग रहा है. बाकी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, इन सारी चीजों के साइड इस वीक में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. ओके, तो कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है. मैं इन तीनों को नेगेटिव बिल्कुल नहीं बोलूंगी. आप अगर किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये चीज गलत है, ये बिल्कुल सही है. आप अपने, लेकिन आपको अपने ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा. वो आप प्रॉपर वे में कर रहे हैं, मतलब अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी साथ लेके चल रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी आप वेट कर रहे हैं. ओके, तो बहुत अच्छी चीज है ये. आपके लिए सारे कार्ड अच्छे निकल के आए एक्चुअली, मैं बोलूं. ओके, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर किस मोड में है फिलहाल. आपको तो उन्होंने टाव मोमेंट दे दिया, बट वो फिलहाल किस मोड में चल रहे हैं. और आपको जैसे, देखिए, हर नेगेटिव चीज के पीछे ना एक पॉजिटिव चीज छिपी हुई रहती है. अगर आपकी लाइफ में स्टार मोमेंट का आना लिखा हुआ था ना, तो इसके पीछे आप पॉजिटिव चीज को देखिए ना. आप इस बंदे से, इस नॉर्मल पर्सन से आप डायरेक्टली दोनों साइड किंग किंग की पोजीशन में आप एकदम से ट्रांसफॉर्म हुए हैं. नॉर्मल बंदे से आप किंग बन गए. बताइए, किंग हर कोई नहीं बन पाता है. ओके, तो आप में इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है. तो नेगेटिव चीज कभी कभी लाइफ में आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़ाती जाती है. वही आपके साथ हो रहा है. अब देखते हैं आपके पार्टनर किस मोड में है. पेज ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. देखिए अब जरा क्या बोलेंगे आप इसको. किंग ऑफ पेंटिकल आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गया है.
किंग क्वीन दोनों के कार्ड आ चुके हैं, तो आप जैसे वेट कर रहे हैं ना अपने पेंटिकल का अपने पार्टनर के साथ शेयरिंग करने का या उनके एक्शन लेने का, वैसे ही आपके पार्टनर आपके लिए वेट कर रहे हैं या आपको पेंटिकल देने का सोच रहे हैं। ये जो पेंटिकल लिए है ना हाथ में क्वीन, ये एक्चुअली इनका ही पेंटिकल है, और ये जो किंग पेंटिकल लिए हुए जो इनका पेंटिकल है। ओके, तो आप देखिए जरा कितने कॉम्बिनेशन के साथ कार्ड्स निकल के आए हैं। ओके, तो वही मैं कह रही हूँ कि कार्ड्स ना कभी कभी इस टाइप से आपकी सिचुएशन डिफाइन करते हैं कि आपको यकीन करना पड़ेगा कि ये जो चीजें निकल के आती हैं ये आपकी लाइफ में होती हैं, कई बार होती हैं। ओके, तो मैं इस कार्ड को स्पेशली यहीं किंग के साथ ही रखना चाहूंगी, क्वीन का कार्ड। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के पास में भी ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे, इस वजह से उन्होंने आपको टावर मूवमेंट में रखा। ये टावर कार्ड पहली जो आया था ना वो में भी इसी वजह से आया था कि आप उनके पास ऑप्शंस ज्यादा थे, बट उन्होंने उन ऑप्शंस को पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है। और ये जो पेंटिकल है ना, ये जो पेंटिकल दोनों जगह लिए हुए हैं, ये आपको ऑफर करने का सोच रहे हैं, थिंकिंग मोड में चल रहा है फिलहाल इस वीक में, वो मुझे थिंकिंग मोड में दिख रहा है। लेकिन अभी मैं और कार्ड निकालूंगी तब देखती हूँ कि कोई एक्शन लेंगे कि नहीं, बट मुझे थिंकिंग मोड में ही सारे कार्ड निकल के आए हैं। एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आप दोनों को रियूनियन कराने में, आपका रियूनियन कराने में यूनिवर्स बहुत बड़ा बोलना चाहिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आई है तो आपको उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। और सबसे मेन चीज क्या करना है, आपको ट्रस्ट करना यूनिवर्स पे, क्योंकि वही आप दोनों का वापस से रियूनियन कराने वाले हैं। ओके, ये जो वेटिंग पीरियड में क्यों गए हैं वापस से, इन्होंने अपने ऑप्शंस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है, आपको पेंटिकल ऑफर करने का सोचा है, पेज के रूप में ही सही, पेज के फॉर्म में ही सही, छोटा ही सही, लेकिन आपको ऑफर देंगे, इस वजह से आप वेटिंग पीरियड में चल रहे थे। ओके, तो मतलब आपका भी वेट करना गलत नहीं है, सही है, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपके पास ही आना चाहते हैं। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं, मैं और देखना चाहूंगी कि क्या इस वीक में उनके साइड से कोई एक्शन आ सकता है क्या। एक्शन बोला नहीं कि नाइट ऑफ वॉन्स आ गया, मेजर कार्ड आ गया एक्शन से रिलेटेड, हरमिट, नाइट के दो दो कार्ड्स आ गए, नाइट ऑफ कप एंड नाइट ऑफ वॉन्स, बॉटम में आया है फाइव ऑफ कप्स। ओके, देखिए आपके पार्टनर सेंटर में देखिए आया हरमिट और फाइव ऑफ कप्स, यहाँ मैं बता चुकी हूँ कि आपको कप देने का सोच रहे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी गलतियों का रिग्रेट है, यहाँ पे भी उनको रिग्रेट है, यहाँ उन्होंने मे बी वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए हैं इस वजह से उन्हें इस चीज का रियलाइजेशन हुआ है। मैं पहले यहाँ लवर्स कार्ड के साथ आपको बता चुकी हूँ कि यूनिवर्स का इंटरवेंशन हुआ है, और जैसे यूनिवर्स ने इंटरवेंशन किया है इनके ना बोलना चाहिए एकदम से स्पिरिचुअलिटी से ये कनेक्टेड फील करने लगे होंगे। मैं कह रही हूं ना ये स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट हुए, उसमें यूनिवर्स का रोल प्ले है। ओके, तभी इन्हें ये रियलाइजेशन हुआ है कि कप ऑफर करना है तो आपको करना है, यहाँ पे आप कप लेके जरूर बैठे हैं इस नाइट ऑफ कप्स के साथ, वो आप यही कप आपका फुल करने आ रहे हैं, साथ में लेके आ रहे हैं कप आपका फुल करने के लिए, और बड़े पैशनेट तरीके से आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आ रहे हैं धीरे धीरे चल रहे हैं आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे, इस वे में नहीं आ रहे हैं, वो इस वे में आ रहे हैं कि बहुत हुआ वेटिंग पीरियड, बहुत हो गई प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा इन्हें रिग्रेट भी है इस चीज का, तो अब उन्हें कोई अपनी लाइफ में चीज करनी है तो आपके साइड एक्शन लेना है। ओके, तो इस वीक में आप कोई एक्शन उनका नोटिस कर सकते हैं, और आपको जब वो एक्शन लेके आएंगे ना तो आपको खुद देखिए थोड़ा सा उनमें चेंजेस लगेंगे, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो गए, मे बी वो भगवान में ज्यादा बिलीव करने लगे हैं, पहले जितना करते थे उससे ज्यादा बिलीव करने लगे हों, तो आपको ना उनकी बातों में थोड़ा सा चेंजेस नजर आएगा, आप इस चीज को नोटिस करिए, और बिल्कुल मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये चीज फील हुई कि नहीं हुई। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आता है जो आपको फॉलो करना है इस वीक में। बॉटम में फिर से पेज का कार्ड आया है, आपके लिए मेजर गाइडेंस यही है, न्यू बिगिनिंग आपके साथ होगी, छोटा ही सही ऑफर आएगा, आपके पास कम्युनिकेशन आएगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था और यहाँ पेज ऑफ कप का कार्ड आ गया, कप
मैं कह रही हूँ ना, ये कप जो है ना आपका ही कप है, तो आपके पास आ रहा है कम्युनिकेशन, आपके पास कोई छोटा मोटा कम्युनिकेशन आ सकता है, बस आपको अपनी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है। किस टाइप की बाउंड्रीज? के नेगेटिव लोगों को एंट्री नहीं देनी है। सिर्फ लोगों की ही मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपको अपनी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स को भी एंट्री नहीं देनी है। कई बार क्या होता है ना कि अपन जब किसी चीज़ का वेट करते हैं तो अपने माइंड में ऑटोमेटिकली कुछ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो अपनी लाइफ के ग्रोथ में बैरियर बनते हैं। सीधी सी बात है, तो आपकी जो लाइफ में बैरियर्स बने हुए हैं ना, ये आपके मुझे थॉट्स लग रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन नहीं लग रहा है। ओके, तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए। आप भी चाहें तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो सकते हैं, और होना ही चाहिए। जैसे आपके पार्टनर कनेक्ट हुए हैं, वैसे आप भी कनेक्ट हुईए। ओके, अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, और नहीं कनेक्टेड है तो मैं तो बोलूँगी भगवान पे बिलीव करिए, है ना, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुई है। जितना आप उनसे कनेक्ट होंगे उतना आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और न्यू बिगनिंग को देखेंगे।